लिए चलते हैं हरिद्वार, जहां पर पहुंचे हैं तमाम वो पहलवान जो प्रदर्शन कर रहे थे। उनकी तरफ से ये ऐलान किया गया था कि मेडल जो उनके पास है उन्हें गंगा में वो प्रवाहित करेंगे, लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें आप देखिए। हालांकि गंगा सभा की ओर से भी यहां पर बयान सामने आया था, उनकी तरफ से भी ये इन्हें आगे जाने से रोकने की बात कही गई थी, लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें जो सामने आ रही है हरिद्वार की, ये तस्वीरें मेडल का विसर्जन करने के लिए पहुंच रहे थे। ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे पहलवानों ने हरिद्वार में जाकर प्रदर्शन किया है। थोड़ी देर में पहलवान मेडल गंगा में प्रवाहित करेंगे। उससे पहले की ये तस्वीर में आपको दिखा रहे हैं, गंगा सभा की ओर से हालांकि पहलवानों का स्वागत किया गया, लेकिन ये भी कहा गया है कि ये राजनीति का अखाड़ा नहीं है, श्रद्धा की जगह है, श्रद्धालु के तौर पर स्वागत है, लेकिन यहाँ राजनीति नहीं करने देंगे, मेडल को गंगा में विसर्जित नहीं करने देंगे। और सीधे रुख करते हैं, सतेंद्र बर्थवाल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सतेंद्र, इस वक्त वहां क्या चल रहा है? तस्वीरें जो मिल रही है वहां तो सर पकड़कर बैठे हैं पहलवान, हाथों में मेडल है और साथ ही साथ ब्रजभूषण मुर्दाबाद के पोस्टर भी वो साथ लेकर के आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि अभी हम खड़े हैं ठीक आरजी पैड़ी से कुछ ही दूर पहले। अब आप साफ सामने देख सकते हैं कि तिरंगे यहाँ पे पहुंच चुके हैं, यहाँ पे कई लोगों के हाथ में जो पोस्टर आप देख रहे हैं मुर्दाबाद के, आप पोस्टर देख रहे हैं जो आप देख सकते हैं ब्रजभूषण मुर्दाबाद के, आप पोस्टर देख सकते हैं। आज जो पहलवान है कुछ ही देर पहले यहाँ पे पहुंचे हैं और आज जो चलिए फिलहाल आवाज नहीं आ रही है, लेकिन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहलवान और उनके साथ उनके समर्थक वहां पर पहुंचे हैं और हाथ में मेडल है, मेडल बॉक्स लेकर के बैठे हैं जमीन पर, और ब्रजभूषण शरण सिंह गिरफ्तार हो, फौरन गिरफ्तारी की जाए इसकी मांग को लेकर जंतर मंतर से लेकर अब हरिद्वार तक आ पहुंचे हैं तमाम पहलवान। तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर पहलवानों ने कहा था जितने भी मेडल देश के लिए जीते हैं उन सबका को प्रवाहित कर दिया जाएगा गंगा में शाम 6 बजे अगर उनकी मांग नहीं मानी गई। फौरन ब्रजभूषण शरण सिंह को अरेस्ट नहीं किया गया। तो दूसरी तरफ से दलील ये है कि मामला दिल्ली पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है। ब्रजभूषण शरण सिंह कह चुके हैं कि वो हर प्रकार की जांच के लिए तैयार हैं, लेकिन पहलवान फौरन गिरफ्तारी की मांग को लेकर अड़े हैं और हरिद्वार भी पहुंच गए हैं। तस्वीर आप देख रहे हैं किस तरीके से पहलवान और उनके समर्थक सर पकड़े हुए नजर आ रहे हैं, हाथों में बॉक्स है जिसमें कि मेडल है, और शाम 6 बजे तक का वक्त रखा गया था इन पहलवानों की तरफ से कि इन मेडल्स को हम विसर्जित कर देंगे। लगातार वहां पर नारेबाजी हो रही है, हाथों में प्लक कार्ड लेकर जिस पर ब्रजभूषण मुर्दाबाद लिखा हुआ है, ये सभी पहलवान और उनके समर्थक पहुंचे हैं। गंगा सभा ने हालांकि स्पष्ट कर दिया है कि राजनीति ना हो इस मामले पर, और ये जो मेडल प्रवाहित करने जैसी बात है उसको यहां पर न किया जाए। श्रद्धा लेकर के आएंगे, स्वागत है, लेकिन इस प्रकार की राजनीति करना गलत है। साथ ही गंगा सभा की ओर से किया गया कि खेल अजर अमर है और खेल को लेकर इस तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए। एक तरफ पहलवानों की ओर से ये डिमांड की जा रही है, जो पहलवान यहाँ बैठे हैं आप देख पा रहे हैं, साक्षी मलिक हैं, विनेश फोगाट हैं, बजरंग पुनिया हैं, जो लगातार जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन करते रहे, और उसके बाद अब इन्होंने ऐलान किया है कि ये पहले हरिद्वार में अपने मेडल विसर्जित करेंगे और उसके बाद इंडिया गेट पर आमरण अनशन पर बैठेंगे। सतेंद्र हमारे साथ मौजूद हैं। सतेंद्र, एक तरफ तो जांच पड़ताल चल रही है, दूसरी तरफ पहलवान अपनी जिद पर अड़े हैं और अब ये बात मेडल को गंगा में विसर्जित करने तक पहुंच गई है, इस बीच क्या कोई कोशिश होती दिख रही है जो इन पहलवानों को रोकने की? गंगा सभा की ओर से क्या क्या बातें कही गई हैं ये भी बताएं। अभी हर की पैड़ी से कुछ ही दूरी पे पहलवान अभी खड़े हैं, आप देख सकते हैं कि हाथों में पोस्टर के साथ तिरंगों के साथ कई लोग जो पहलवान यहाँ पे पहुंचे उनके समर्थक में यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि जो ये लोग यहाँ पे पहलवानों के समर्थक में हैं ये बताए जा रहे कांग्रेस के लोग हैं जो जिन्होंने पहलवानों का समर्थन किया है, लेकिन इसी बीच जो गंगा सभा के लोग विपरीती इन पहलवानों के द्वारा किए गए जो कार्य, यानी कि जो ये आज अपने जो मेडल है मेडल को गंगा में विसर्जित करने की जो बात करें, तो उसको लेकर गंगा सभा के लोग काफी नाराज दिखने को मिल रहे हैं, क्योंकि उनका साफ तौर पर कहना है कि हम पहलवानों से ये कहेंगे कि वो यहाँ पे आए, पूजा अर्चना करें, आरती करें, आरती में बैठें और देश की सुख समृद्धि के लिए एक आह्वान करें, लेकिन जिस तरीके से पहलवानों ने कहा है कि वो
अपने मेडल्स को गंगा में प्रवाह करेंगे और वो भी हर की पैरी पे, तो उसका उसको लेकर वो खास तौर पर विरोध करने जा रहे हैं गंगा सभा के लोग। क्योंकि तो गंगा सभा के जो अध्यक्ष हैं उनसे जब हमारी बातचीत हुई, उनका साफ तौर पर कहना है कि गंगा में जो अस्थि विसर्जित जो हिंदू मान्यता के अनुसार अस्थि विसर्जित की जाती है वो भी किसी के मृत्यु के बाद, लेकिन एक अजर अमर है जिसके कारण हरिद्वार में नहीं करने दी जाएगी। ठीक है सत्येंद्र, धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। और यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है, आप जुड़े रहिए हमारे साथ।